नवाबों का शहर लखनऊ अपने लजीज जायके के लिए हमेशा से ही मशहूर रहा है। बात चाहे वेज खाने की हो या फिर नॉन वेज की, जायके के मामले में लखनऊ सबसे पहले आता है। लेकिन शायद अब लखनऊ के खाने के जायके में फीकापन आने वाला है। इसके पीछे वजह है लखनऊ नगर निगम और उनके द्वारा दिया गया नया प्रस्ताव। दरअसल लखनऊ में आज भी पारंपरिक खान पान कोयले की भट्टियों और तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नगर निगम ने अब कई रेस्टोरेंट मालिकों से भट्टियों को हटाने पर बातचीत की है। मेरे हिसाब से ये अभी जो अभियान चालू किया गया है ये नगर निगम ने शुरू किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह जहां भी तंदूर है वहां पे फ्री किट लगा रहे हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा जो कोयले पे कोई भी सामान पकता हो, चाहे वो चाय क्यों ना हो, सोंधापन आता है। तो हम लोग जो इंडियंस हैं वो ज्यादातर जो है टेस्ट के ऊपर बहुत डिपेंड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक जो डिपेंसी है कि सोनापन वाली वो थोड़ी कम हो जाएगी बस, बाकी और कोई ज्यादा फर्क मेरे हिसाब से नहीं आएगा। क्या क्या आइटम तंदूर पे बनते हैं, कोयले के तंदूर? देखिए मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ चीजें जो पुराने लोग चले आ रहे हैं लेकर के, जितने भी ड्राई आइटम्स आपके हैं वो तंदूर में बनते हैं। यहाँ तक कि इवन जो है चाय भी आप देखते होंगे ज्यादातर जहाँ पे भट्टियां इस्तेमाल की जाती हैं लोग वहाँ ज्यादा जाते हैं, कहते हैं वहाँ ज्यादा अच्छी चाय होती है। तो ये एक लॉजिक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ देम कोशिश यही की जाती है कि लोग तंदूर के आइटम्स को ज्यादा प्रेफर करें। अभी क्या क्या आइटम तंदूर, कोयले वाले तंदूर पे बनते हैं? देखिए यहाँ पे तो खाली कोयले की एक छोटी सी भट्टी इस्तेमाल की जाती है जिसमें सिर्फ रोस्टेड बनता है हमारे वहाँ, बाकी और जो मार्केट्स में वो लोग ज्यादातर सामान बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं और भी 10 तरह के ड्राई आइटम्स बनाते हैं। हमारे यहाँ केवल एक ही आइटम है, इसलिए हम सिर्फ जो है छोटी सी एक भट्टी वो इस्तेमाल करते हैं रोस्टेड बनाने के लिए। लखनऊ नगर निगम होटल व रेस्टोरेंट का सर्वे करा रहा है। अनुमान है कि राजधानी में करीब 3000 से अधिक कोयले की भट्टियां हटा दी जाएंगी। इसकी जगह नगर निगम ने होटल मालिकों को इलेक्ट्रिक भट्टियां भी प्रायोगिक तौर पर लगा कर दी हैं। इस पर टुंडे कबाब के मालिक का क्या कहना है सुनिए। पराठा और कबाब तो हमारा बहुत सालों से, हम कबाब पराठा जो है वो गैस की भट्टी पे ही बना रहे हैं, और गैस की भट्टी बना रहे हैं उसके लिए जो है महतवा जो होता है जो परात होती है वो ब्रास की हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जायका बनकरार रहे। अब ये है कि जो ये चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, फिश टिक्का ये वगैरह जो बनता है ये तंदूर पे अच्छा ज़्यादा बनता है। अब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लावे अच्छी कि कोयले की तरह मज़ा बरकरार रहे तो बेहतर है, हम लोगों को स्वागत है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं इसमें। तो अभी तो वो जो बर्नल आ रहे हैं इनके तंदूर वाले वो इतने कामयाब नहीं हैं। अपनी तहजीब और जायके के लिए प्रसिद्ध लखनऊ के जायके पर अब आने वाले कुछ ही दिनों में बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में ये भट्टियां भी शामिल हैं। इसलिए वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व NGT की सख्ती के बाद होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में दहकने वाली तंदूर की भट्टियों पर अब रोक लगाने की तैयारी है। इस विषय पर नगर आयुक्त का क्या कहना है सुनिए। जो एयर क्वालिटी है लखनऊ की उसकी जिम्मेवारी लखनऊ नगर निगम की है। तो एयर क्वालिटी में 2017 से भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई स्टेप्स लिए गए हैं कि एयर क्वालिटी हम बेहतर करें ताकि एक फ्रेश एयर अपने नागरिकों को दे सकें। उसमें एंड टू एंड रोड का पेमेंट है, जैसे आपने देखा होगा रोड के पास जो धूल है वो धूल एक डस्ट बहुत बड़ा कारण बनता है। एक है कि पूरे शहर को हरियाली करनी है और जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें जो पोल्यूशन निकल रहा है उसको चेक करना है। अब इसमें जो है हमें बैलेंस करना है कि कोई भी कोई किसी तरह का किसी को आर्थिक नुकसान ना हो, तो उसमें हमने टेरी से स्टडी कराया था कि लखनऊ में जो इंडो गैग्नेटिक प्लेन में आता है कि पोल्यूशन के क्या कारण है, तो उसमें से मल्टीपल चीजें निकल के आई कि रोड डस्ट एक कारण है, इंडस्ट्रियल एरिया एक कारण है, व्हीकुलर पोल्यूशन एक कारण है, ट्रैफिक एक कारण है। तो हर चीज के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए गए, जैसे ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए 15 जंक्शन इम्प्रूव किए गए थे, जिसमें देखा होगा अर्जुनगंज एक इम्प्रूव हुआ है, अवध पे थोड़ा काम हुआ था, दुबग्गा पे काम हुआ था, तो ये सारे जंक्शन हमने इम्प्रूव किए थे। और ग्रीन करने के लिए मियावाकी फॉरेस्ट लगाए गए हैं, इसी बार हम लोग 12 हेक्टेयर से ऊपर मियावाकी फॉरेस्ट लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने इंक्रोचमेंट लगाया ताकि ट्रैफिक स्मूथ चले, और डस्ट कम करने के लिए रोड पे छिड़काव किया जाता है, और हम लोग जो है रोड को एंड टू एंड पेमेंट करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं आसपास ताकि वो हो। एक कारण टेरी ने जो बताया कि हमारे यहाँ 3000 के करीब कोल की भट्टियाँ हैं, उन्होंने मार्केट सर्वे किया, अलग अलग जगह गए, तो कोल जो है एक जो जब जलता है तो जो वर्कर उसमें काम कर रहा है उसके लंग्स के लिए भी खतरनाक है,
जो लोग वहाँ बैठते हैं पास उनके लिए भी और आम लखनऊ की एयर क्वालिटी के लिए। तो उसमें फिर डेयरी ने सुझाव दिया कि हम रेट्रोफिट कर सकते हैं इन भट्टियों को गैस से, तो उन्होंने 100 का डेमो दिया, लोगों ने स्वेच्छा से उसको करवाया भी। और अब जो है हम लोग उसको सबको अपील कर रहे हैं कि वो जो भट्टियाँ हैं कोल की भट्टियाँ, अगर आप करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 भट्टी भी है तो 2 आप ऑप्शन कोल की रख लीजिए और बाकी जो है 8 जो है इसको गैस बेस्ड कर लीजिए, ताकि पोल्यूशन को हम लोग कम कर सकें। इससे क्या होगा कि आप जो हमारा कस्टमर आ रहा है उसको आप ऑप्शन दे सकते हैं कि कहा कि स्वाद पे भी कोई तरह का वो ना आए, इशू ना। इलेक्ट्रिक और गैस जो तंदूर है उससे क्या प्रभाव आएगा? उससे क्या होगा कि एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन है कोल बर्निंग से वो कम होगा, और दूसरा ये रहेगा कि उसमें कॉस्ट भी बड़ी कम है, और दूसरा हमें नगर निगम के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूवमेंट करने पे जो फंड रिलीज होते हैं और फर्दर इम्प्रूव के लिए, उसमें भी आसानी मिलेगी। हमारी एयर क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो नागरिकों का हेल्थ तो इम्प्रूव हो गई।